नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो जॉब निकली है पशुपालन निगम लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसमें निकली हुई है। तो हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये पूरी PDF है, मैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंदर ये जॉब निकली हुई है, जो कि डेयरी फार्म हो गया हमारा, बकरी फार्म हो गया, मुर्गी फार्मिंग योजना हो गई। ये जो योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग से संबंधित, उनको ब्लॉक तहसील स्तर पे पशुपालन सेवा केंद्र खोले जाने हैं और इनको ग्राम पंचायत या ग्राम या ब्लॉक स्तर पे जो इच्छुक हुआ है उनको प्रशिक्षण देना है और उनको आगे से आगे बढ़ाना है। इसमें हमारे डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और मुर्गी फार्मिंग जैसी पशुपालन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इनको ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे पहुंचाना है। आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है? और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्ट हैं, फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी की बात करें तो 250 पोस्ट हैं और आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। फार्मिंग विकास अधिकारी की 1,250 पोस्ट हैं, इसमें आपको 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसी तरह फार्मिंग प्रेरक की आप 3,750 पोस्ट हैं, आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। ये इसका पोस्टों की डिटेल है और ये इसकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है। निगम में 2 साल कार्य पूरे होने के बाद विशेष अधिकारी के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। मतलब 2 साल के बाद आपकी सैलरी वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए आपको किसी भी संस्थान से क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। फार्मिंग विकास अधिकारी के लिए 12th चाहिए और फार्मिंग प्रेरक के लिए 10th चाहिए। इसके मतलब है 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी कैंडिडेट ने कुछ भी कर रखा है, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी के लिए 25 से 45, विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 और फार्मिंग प्रेरक के लिए 18 से 40। अगर आप इसके आयु सीमा के अंदर हो तो आप इसके अंदर आते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। 7 जून 2024 से पहले रात्रि 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फॉर्म फीस की बात करूं, प्रबंधन अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए, आप कोई सी कैटेगरी हो, SC ST EWS कोई सी हो, आपको 944 रुपये देने। फार्मिंग विकास अधिकारी को 826 रुपये और फार्मिंग प्रेरक को 708 रुपये आपको फीस पे करनी है। इसमें कोई किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। और ये जो आपके कार्य क्या रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, ये इसमें सब दे रखे हैं, तो आपको ये टेलीग्राम के अंदर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, ठीक है? इसमें आपका अंतिम चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। मतलब आपका इसके अंदर इंश्योरेंस भी किया जाएगा, 2.5 लाख रुपये का निःशुल्क। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, आपका इसमें एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और आपका इंटरव्यू होने वाला है। आप कोई सी पोस्ट के अप्लाई करोगे तो 50 नंबर का आपका तीनों पोस्टों के लिए 50-50 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा, और 50 नंबर का ये आपका इंटरव्यू होगा। टोटल क्या होगा, 100 नंबर का आपका पैटर्न रखा गया है, जिसमें आपको 50% उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। मतलब 50% पेपर में नंबर और लिखित परीक्षा में लाने ज़रूरी है, तभी आप इसके अंदर उत्तीर्ण माने जाओगे। अगर आपके 50% नहीं आते हैं दोनों में तो आप इसके लिए चयन नहीं होगा।
मेन इसके अंदर क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पेपर देने कहीं नहीं जाना है, पेपर आपको अपने घर बैठे ही हो जाएगा, आप कहीं भी बैठ के पेपर दे सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्क्रीन है, या साइबर कैफे में जाके कहीं भी बैठ के देखो, कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर आप अपनी परीक्षा को दे सकते हो। और केंद्र का वैसे प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा, मतलब आपके पास ईमेल ही भेज जाएगा, इसमें आपका आईडी और पासवर्ड आने वाला है, और उसमें आपको घर पे बैठे ही आपको एग्जाम देना है, मतलब कोई सेंटर कहीं धूप गर्मी छांव कहीं नहीं घूमना है। और आपको ये भी अफसोस नहीं है कि मैं इतनी दूर गया पेपर देने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं किराया लगाया मैंने इतनी गर्मी में, वो भी नहीं होने वाला है। आपको घर बैठ के पेपर देना है, आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से तैयारी करना, दूसरे एग्जाम में होगा, पढ़ो, पढ़ी हुई चीज़ तो काम में ही आने वाली। तो ये मुझे सबसे इसकी बेस्ट लगी। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल रहे तो फॉर्म में जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जो एग्ज़ाम का इसका पैटर्न रहेगा वो इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 8 क्वेश्चन और 8 नंबर हिंदी के, 8 क्वेश्चन और 8 नंबर इंग्लिश के, 8 क्वेश्चन और 8 नंबर के गणित का, और 8 क्वेश्चन 8 नंबर के रीजनिंग के, 8 क्वेश्चन और 8 नंबर का आपका दैनिक साइंस का पूछा जाएगा, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। टोटल आपको 30 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 50 नंबर के, चाहे आप कोई सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और ये सिलेबस भी दे रखा है हिंदी में क्या आने वाला, मुहावरे हो गया, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश, विलोम शब्द, समास, इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीटेशन, गणित के भी दे रखा है समय, दूरी, लाभ, हानि, सरलीकरण, औसत, रीजनिंग का, कैलेंडर, कोडिंग, डीकोडिंग, एनालॉजी, दैनिक जीव विज्ञान की भी दे रखा है, और कंप्यूटर का भी सिलेबस दे रखा है। तो इन्होंने सबका सिलेबस भी दे दिया। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप इसके लिए इच्छुक हो, आपको कैसी लगी ये जॉब अपडेट, तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट, एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।